सुपरहिट हिंदी मूवीज और उनके सीन सॉन्ग्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी मूवी प्लेक्स। नहीं बेटे, न्याय मांगने का तुम्हारा ये रास्ता गलत है, बिल्कुल गलत है। तो तुम ये चाहती हो कि हमें उसी अन्याय को ही न्याय समझकर चुप रहना चाहिए था? नहीं बेटे, अगर ये न्याय तुम्हें अधूरा लगता था तो उसे पराया समझकर और तोड़ना नहीं चाहिए, उसे कमजोर बनाना नहीं चाहिए था, उसे अपना समझकर और मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। हम भी तो वही चाहते हैं। आज वही न्याय है जो सत्ताधारी करते हैं, किसी की भी जिंदगी को अपने फायदे के लिए तबाह कर देते हैं। हम उनकी अनिर्बंध सत्ता पे अंकुश लगाना चाहते हैं ताकि वो डर के रहें। वो अंकुश किस काम का, जिससे दिल में डर पैदा हो, जिसके एक ही घाव से हजारों का खून बहे। हमें वो अंकुश चाहिए जो हर इंसान को एक दूसरे से प्यार करना सिखाए। रवि, तुम चुप क्यों हो? तुम समझाते क्यों नहीं इन्हें? क्या चाहती हो तुम? सिर्फ यही, जब तुम्हें अदालत में खड़ा किया जाए तब तुम अपने किए की हिमायत नहीं करोगे, बल्कि माफी मांगोगे। नहीं भाई, वो चारों खून हमने सिर्फ बदले की भावना से नहीं किया, बल्कि उसके जरिए हमें जाहिर करना है कि उस न्याय से हमारा विश्वास उठ गया है जिसके साये तले हम पल रहे हैं। इसलिए उसी न्याय की चौकट पर हाथ पैर चलाने वाले वकील ना तो हमारी बात समझ सकते हैं ना समझा सकते हैं, और इसीलिए हम वकील लेने से इनकार करते हैं। हमें जो भी कुछ कहना है हम खुद पेश करना चाहते हैं। परमिशन ग्रांटेड। हम चारों वही महारोगियों से बदतर जिंदगी जी रहे थे, जिसे न समाज में स्थान था न घर में इज्जत। लोग हमें पैरासाइट समझते थे, लेकिन हम उन्हीं लोगों के हाथों की शिकार थे जिनके हाथों में सत्ता है। टाइटलवाड़ी की नुक्कड़ पर कुत्ते की तरह घूमते थे सुबह शाम। हमें साथ बांधने वाली एक ही बात थी, हमारी बेकारी। जज साहब, अपन तो पैदाइश ही बेकार था। बचपन से ही सड़कों पर भटकते हुए ये मालूम नहीं था अपने जिंदगी का मकसद क्या है, अपन क्यों जी रेला है। आने वाले दिन को काटना यही अपने लिए एक मकसद बन गया जज साहब। जब ऐसा महसूस होने लगा कि हमारी जिंदगी इसी नुक्कड़ पर सड़ जाएगी। ये माई बैठी है ना माई, उसकी पोती अनिता ने अपन लोग को साथ दिया। ऐसा लगने लगा कि अपने जीने का कोई मकसद है। अपन ने जिंदगी में इतना खुशी कभी नहीं देखा था जज साहब, लेकिन इन हरामजादों ने सब चकनाचूर कर दिया। हमने 6 महीने तक लगातार उनके बारे में तहकीकात की तो पता चला कि हमारे जैसे सैकड़ों और भी लोग थे जो उनके अत्याचारों का शिकार हुए थे। इन लोगों ने क्या क्या अत्याचार किए मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं गुप्ता के बारे में बताऊंगा। मिलोर्ड, ये गुप्ता। मिलोर्ड, गुप्ता की पिछली जिंदगी का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इन्हें वही कहने की इजाजत दी जाए जो इस मुकदमे से ताल्लुक रखती हो। मुलजिम, तुम वही कहोगे जो इस मुकदमे से ताल्लुक रखता है। इन्हें बोलने दीजिए जज साहब, ये क्या कहना चाहते हैं हम सुनना चाहते हैं। मिस्टर, आप जानते हैं आप कोर्ट की बेइज्जती कर रहे हैं, आपको बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि गुप्ता ने और कौन कौन से अत्याचार किए हैं। लेकिन तुम हो कौन? मैं भी उसी के अत्याचार का एक शिकार हूँ। उसी की फैक्ट्री में काम करते हुए मेरे ये दोनों हाथ कट गए। उसने मुझ पर शराब पीने का इल्जाम लगाकर फैक्ट्री से निकाल दिया। मैं उससे बदला लेना चाहता था, लेकिन उसकी ताकत ने मुझे बहुत कमजोर किया। आज उसी की वजह से मेरे बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। इंस्पेक्टर, प्लीज टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट। ताज हो गए, ये बेइंसाफी है। लेकिन सुनना तो हम भी चाहते हैं। ऑर्डर, 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 ऑर्डर। यहाँ आया हुआ हर एक आदमी कभी ना कभी उनके अत्याचार का शिकार हुआ था। आज तक वो न्याय मांगते रहे, उनको न्याय नहीं मिला। इन्होंने मेरे पापा को मारा है, मैं जान से मार डालूंगा, कभी नहीं जाऊंगा, जान से मार डालूंगा। इन्होंने मेरे पापा को मारा है, कभी नहीं जाऊंगा। इसे छोड़ दे बेटा, ये क्या कर रहे हैं तू? मैं इन्हें मारूंगा, जान से मार डालूंगा। तो फिर सबसे पहले तू मुझ पर गोली चला बेटे। नहीं माँ, तुम निकल जाओ, मैं इन्हें मारूंगा। तुम क्यों बीच में आ रहे हो? इसलिए कि आज
The court is adjourned for the lunch. मिलोर्ड, हमने जो गुनाह किए हैं वो सिर्फ एक बदला ही नहीं बल्कि एक मुंह तोड़ जवाब देना चाहते थे, एक अंकुश लगाना चाहते थे सारी सोसाइटी पर। अगर कानून ने ना इंसाफी की तो लोग खुद कानून हाथ में लेकर अपना इंसाफ कर सकते हैं। हमने सोचा था कि यही इसका आखिरी और सही जवाब होगा, अभी तक यही सोचते रहे, मगर आज एक मासूम बच्चे ने हमारी आंखें खोल दी। एक मासूम बच्चे के दिल में इतनी नफरत पैदा करने वाला जवाब कभी सही नहीं हो सकता जज साहब, अपन लोग का सोचना गलत था। हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जा सकता। हम सब आपके बहुत बड़े गुनाहगार हैं, अगर आप हमें फांसी भी दे तो हमें कोई शिकवा नहीं, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अब भी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ। हम आपसे दरखास्त करते हैं कि ये जो हमारा कानून है जो अधूरा है उसे और मजबूत बनाइए ताकि हमारे जैसे जवान उसे अंधे होकर भावनाओं में बहकर छू न सके। हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं आप एक ऐसा अंकुश लाइए जो इस नफरत को मिटा दे, हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे। हम आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं। कितनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कितनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बसी है सहमा सहमा शहर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। खुद
चले गए।